नमस्कार, मैं हूं सबा खान। मैं इस प्रोग्राम के जरिए आपको कुछ ऐसे हस्तियों से मिलवाती हूं जो निस्वार्थ और निष्पक्ष समाज सेवा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं जगदत्त कोरी जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका राजनीतिक सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं धन्यवाद चैनल को देना चाहता हूँ जो मुझे अवसर दिया। मैं अमेठी ज़िले का तुलई विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ और 2003 में यहाँ लखनऊ आया और 2006 में मैं NCP से, नेशनल कांग्रेस पार्टी से, मैं जिला उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद कुछ समय तक उसमें मैंने काम किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ मुझे अच्छा लगा और वहाँ के लोगों से मिलने के बाद मैं बहुजन समाज पार्टी को मैं अग्रसर हुआ। लेकिन उस समय हमने ज्वाइन नहीं किया था। फिर मैंने लगा कि राजनीति में खुद भी अपना काम करना चाहिए, तो 2012 में मैंने एक पार्टी का, हमारे मित्र हैं जसपाल सिंह, उनके साथ गठन किया, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा। 12 से 14 तक मैंने काम किया। फिर जो पहले जो बहुजन समाज नीतियों को मुझे लगा कि नहीं ज्यादा अच्छा है, तो मैंने उस पार्टी से छोड़ करके मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया और 2012 से लेकर 14 तक इसमें काम किया। 15 में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने काफ़ी क्षेत्र से तैयारी करी और 2017 में विधानसभा चुनाव में 184 जगदीशपुर से मुझे माननीय बहन जी ने मुझे टिकट दिया और वहाँ से मेहनत करके मैंने 2017 में वहाँ से मैं चुनाव लड़ा। सर, मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में राजनीतिक सफ़र आपका कैसा चल रहा है? मैं समाजवादी पार्टी में का नेता हूँ, काम कर रहा हूँ और इसकी नीतियाँ जब मुझे अच्छी लगी तो बहुजन समाज पार्टी को मैंने छोड़ा और समाजवादी पार्टी का दामन मैंने पकड़ा। माननीय अखिलेश जी का विचारों को अच्छा लगा, मुझे लगा मेरे समाज का और मेरा सम्मान इसमें है और आगे बढ़ने को, समाज को ले जा करके। मैं कोरी समाज का हूँ इसलिए अपने समाज का हित इसमें, काफ़ी कोरी समाज के लोगों का बड़ा सम्मान रहा है, तो मैंने भी सोचा कि इसके साथ इनके विचारों से मिल करके समाजवादी पार्टी के लिए मैं काम करूँ। सर, आप जगदीशपुर विधानसभा की बात करते हैं, जगदीशपुर विधानसभा में अभी फिलहाल कितना विकास हुआ है? जगदीशपुर में जो इस समय का वर्तमान वहाँ के जो विधायक जी हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, तो 5 साल लगभग पूरा ही होने वाला है। तो वहाँ पर विकास देखा जाए तो अगर आम आदमी गद्दा मुक्त नहीं, गद्दा युक्त सड़कें हैं, विकास के नाम पे तो वहाँ स्थिति बहुत ही खराब है, जीरो है ना। वहाँ पर किसी तरह का विकास हुआ है ना, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है ना, लोगों को प्रताड़ित है ना, कोई व्यवसायिक कोई भी ऐसा संस्थान खुला है जिससे वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। स्थिति बहुत ही खराब है वहाँ का। सर, आपको जगदीशपुर विधानसभा की जनता क्यों चुने आपको? और जगदीशपुर की जनता ही चुनती। मैंने 2017 में मैं चुनाव लड़ा, मैं नहीं जीता, किन्हीं कारणों से रहा, लेकिन जगदीशपुर की जनता, एक एक जो माताएं बहनें भाई हैं, सब मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनको, मैं उनके लिए इसलिए कि मैं 24 घंटे मैं उनकी सेवा में रहूँ। रात में अगर 4 बजे भी वो लोग हमको कोई कॉल करता है, किसी तरह का दुख सुख होता है, तो मैं उसमें सम्मिलित होता हूँ। वहाँ के लोग, जितनी भी जनता है, उनके सभी भी शादी प्रोग्राम से लेकर किसी भी मुसीबत में जरूर हो, अगर किसी तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था होता है तो मैं किसी भी लखनऊ में कहीं भी होता तो मैं उनको 24 घंटे में स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरा प्रोवाइड कराता हूं। और उनको लगा है कि जो अभी तक वर्तमान विधायक जी हैं, इनको पद जो पूर्व विधायक थे, उनको उससे से लग रही है जनता की जगदत्त कोरी आएंगे तो इनके कार्यशैली, इनके व्यवहार से लगता है जगदीशपुर का विकास होगा। और हम, मेरी जनता हमसे बहुत नज़दीक से इजीली बात करती है कि मैं बहुत सरल नेता हूँ, मुझसे किसी भी समय बात किया जा सकता है, मैं उनके हर सुख दुख में हमेशा हाजिर रहता हूँ और ये विकास के लिए उनको उम्मीद है, उनको उम्मीद जा गई कि जगदीश कोरी यहाँ का विकास अच्छा करेगा, इसलिए चाहती कि मुझे जिता दे। सर, जगदीशपुर विधानसभा की जनता के साथ आपका लगाव कैसा है? हमारा लगाव समझ लीजिए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं वहीं का अमेठी जिले का मैं रहने वाला वहाँ, तो जगदीशपुर हमारी ग्राम है, सारे नाती रिश्तेदारी जितना वहाँ रहते हैं, तो वहाँ से लगाओ कि जब तक मैं राजनीति करूँगा जगदीशपुर से ही करूँगा। मेरा केवल एक ही उद्देश्य जगदीशपुर का विकास है, पूरे प्रदेश का तो करना है लेकिन जगदीशपुर का मेरा एक वहाँ से पूरा जुड़ा हुआ जीवन है।
सर, आपने बात किया कि आपने पहले बसपा ज्वाइन किया था, तो आपने बसपा छोड़ के सिर्फ समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? बसपा जब ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि उस समय मेरे समाज का मेरा हित है, मेरी जगदीशपुर की विधानसभा जनताओं का हित है, क्योंकि जगदीशपुर की जनता ही मेरा परिवार है, और उसको उन्हें लगा कि इसमें संभव नहीं है। मुझे लगा माननीय अखिलेश जी के विचारों से लेकर के यहाँ से उनके लोगों को लेकर के उनकी विचारधाओं से लेकर मेरा समाज के जगदीशपुर के जो हमारा परिवार है उनका विकास संभव है। मैं इनमें रह करके उनका कार्यशैली में कर सकता हूँ, उनकी समस्याएं दूर कर सकता हूँ, उनकी विचारों का विकास दर या आने वाले बच्चों को रोजगार के लिए मैं सरकार बनी तो मैं गुहार करूँगा अपने बलों को बात रखूँ, वहाँ बच्चों को बेरोजगार बच्चे हैं और तो उनको रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी मिलेंगी, तो इसलिए मुझे इनकी विचार अच्छा लगा, इसलिए मुझे उसको छोड़ना पड़ा लोगों के लिए। सर, कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत ज़्यादा सफल सक्रिय है, इस पर आप क्या बोलेंगे? 2022 के चुनाव पर इस पर कितना असर पड़ेगा? सभी पार्टी अपना प्रयास की, देखिए जनाधार कांग्रेस पार्टी का एकदम खत्म हो गया है, कोई नेता बचा नहीं है। ये है कि झूठा डिडोरा पार्टी से कुछ होगा नहीं, क्योंकि कहीं भी प्रदेश में इनका कोई भी कार्यकर्ता पहले था अब तो नहीं है, जनता न उनको दल न वो किसी के, क्यों डोडोरा पर जनता की सेवा करना पड़ता है, किसी सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, उनका कोई विधायक नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं करता चलता रहती। जब तक किसी के लिए जनता के लिए आप काम नहीं करोगे, जब तक कैसे आपके साथ जुड़ेगी? तो मुझको तो नहीं लगता है 2022 में इनकी अच्छी स्थिति रहेगी, बहुत खराब स्थिति रहेगी। प्रियंका गांधी तो अक्सर सर जनता के बीच जाने के लिए चर्चाओं में रहती हैं। प्रियंका गांधी रोड शो करती हैं जनता में बीच कर, किसी गरीब में जा करके वहाँ जा करके किसी गरीब आदमी के कहाँ जाती हैं? एक गरीब आदमी को बताइए किसके यहाँ जाती है, वो रोड शो करके चली जाती है। जनता के वोट और जनता सबसे ज़्यादा परेशान हमारा नीचे का तबका है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास उसके बच्चे परेशान हैं, तो वहाँ जाना चाहिए, उनकी व्यवस्था देना चाहिए। रोड शो से जनता नहीं जुड़ी, वोट नहीं मिलेगा उनको, और स्थिति हम तो लगती बहुत खराब रहेगी। पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो किस आप भी किसान गरीब गांव तबके से ताल्लुक रखते हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? किसान का, मेरे पिताजी किसान थे, मैं उनका पुत्र हूँ, वहीं किसान के बीच से निकल रहा हूँ, आज भी मेरी खेती होती है, हम लोग किसान से ही जुड़े हैं। किसान की समस्या इस समय किसान की स्थिति तो बहुत ही खराब है, यानी हमारे देश में लेकिन विधानसभा लेकिन प्रदेश में स्थिति बहुत ही खराब है। किसान अपने फसल का लागत नहीं पा रहा है, कहाँ से उसका इतना सा महंगा होगा, डीजल पेट्रोल में तो पानी कहाँ से सींचेगा, स्थिति तो बहुत खराब है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको कोई ऑप्शन नहीं, बस जी रहा है, मतलब बहुत ही स्थिति, हम लोग को किसानी करा ही नहीं पा रहे हैं। हमारे जनता जो जगदीशपुर की विधानसभा की जनता किसी तरह से जी रही है, जीवन यापन कर रही है, ना उसको कोई गवर्नमेंट व्यवस्था दे पा रही है, ना साधन दे पा रही है, खाली प्रताड़ित कर रही है। सर, हमारे कार्यक्रम के जरिए आप समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी होने के नाते, आप समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे जनता से? समाजवादी मैं तो पूरे प्रदेश की जनता से कहूँगा, जगदीशपुर की जनता से कहूँगा कि अगर अपना विकास चाहते हो, किसानों का भला चाहते हो, अपने बच्चों का भला चाहते हो, अपने माताओं बहनों का भला, तो एक प्रदेश से लेकर के एक जगदीशपुर से एक बढ़िया से जो चयनित माननीय राष्ट्रपति जिसको प्रत्याशी नियुक्त करें उसको आप जिता भेज दीजिए, और मेरा और सभी लोगों से मान के एक ही लक्ष्य रखिए, इधर उधर न देखें कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, और तभी प्रदेश का किसानों का भला होगा, युवाओं का भला होगा, सभी समाज का भला होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, कम से कम जो अच्छा काम करेंगे युवा सब हमारा समाजवादी पार्टी से साथ उम्मीदों के साथ जुड़ा है, जो अगर किसी की उम्मीदें पूरी होंगी, अगर किसी की अगर समय से तो माननीय अखिलेश जी के संरक्षण में उनके नेतृत्व में ही पूरी होंगे। सर, मान लीजिए कि आपको समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? हमारा पार्टी से टिकट से लेना देना नहीं है, मैंने इस बात को नहीं लिया कि मुझे टिकट ही दे दे मैं विधायक बनूं, मेरा एक ही उद्देश्य है कि माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना, और प्रदेश के इसके लिए मुझे कोई भी काम करना पड़े, चाहे मुझे घर घर जाकर मेहनत कर ही रहा हूँ, जगदीशपुर के से जनता से लड़ रहा हूँ, और भी जगह से मेरा है, मेरा एक उद्देश्य टिकट मिला तो मैं लड़ूंगा, और नहीं मिला तो मैं माने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी, जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं मिले तो मैं नेता इसलिए इसमें सम्मिलित हुआ हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेकर मुझे खाली सरकार बनाना है, और अपने ही अगर प्रत्याशी कोई नियुक्त होता है मेरे अलावा, मुझे अवसर मिलेगा माननीय अखिलेश जी मुझे देंगे तो मैं लड़ूंगा, अगर जिसको अवसर देंगे तन मन धन लगा के उसको अपना धन और संपदा सब लगा के उसको जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता जगदत्त कोरी जी, जिनसे हमने बात किया और जिन्होंने जगदीशपुर विधानसभा के लिए बहुत कुछ किया है, और आगे भी इनकी करने की जो कला है वो आगे भी रहेगी।
और इनका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी में रहें या ना रहें, लेकिन हम समाज सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगी। नमस्कार।